देखें स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी है। ठीक है, हमारे पास अपने क्लिनिक में जब हम स्टैट्स देखते हैं तो उसमें मेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा है फीमेल्स। ठीक है, सो वो जो आपने बात की ना कि सारा दबाव फीमेल पार्टनर पे होता है, हालांकि असल में अगर रिपोर्ट्स देखें तो मेल फैक्टर हमारे यहाँ ज़्यादा है और कुछ विद इन पाकिस्तान कुछ एरियाज़ में और भी ज़्यादा है। ठीक है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो मेल इनफर्टिलिटी की खूबसूरती ये है, मैं कहूँगा खूबसूरती कहूँगा कि एक सिंपल टेस्ट से डायग्नोस हो सकती है। ठीक है, फीमेल के तो बहुत से पहलूज होते हैं, बहुत से टेस्ट होंगे, हार्मोन्स होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे, ट्यूबों का टेस्ट होगा, मुख्तलिफ वो एक फहरिस्त है टेस्टों की जहाँ जो करके आपको पता लगता है कि क्या प्रॉब्लम है अगर आइडेंटिफाई हो सके। मेल के अंदर आसानी ये है अगर मेल पार्टनर एग्री करे, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, अगर मेल पार्टनर एग्री करे तो सबसे पहले उनको टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन टेस्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि इनफर्टिलिटी एक कपल को तब हम लेबल करते हैं जब एटलीस्ट उनका 1 साल से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और वो कंसीव ना कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं कि 3 माह के बाद ही आप पूछना शुरू हो जाएं कि वो है। सो 1 साल के बाद और 70% कपल्स पहले 1 साल में नेचुरली कंसीव कर लेते हैं। ठीक है, 10% पहले 2 साल में नेचुरली। सो 80% कपल्स ने तो वैसे ही कंसीव कर लेना है पहले 2 साल के अंदर। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर हम टेस्टिंग की तरफ आते हैं जिसमें मेल का सीम एनालिसिस एक वाहिद टेस्ट है जिसके जरिए हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम स्पर्म जरासीम वगैरह को देख लें।